क्या हाल है? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आइए पढ़ते हैं कौन सा टॉपिक। सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्युबिलिटी देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे लेते हैं क्या, 1 kg मान लीजिए वाटर ले लेते हैं, ठीक है। 1 kg वाटर में हम चीनी घोलना शुरू किए, तो चीनी घोलना शुरू किए, पहले 50 ग्राम डाले, फिर 50 ग्राम डाले, फिर 50 ग्राम डाले, और फिर कितना ग्राम डाले, 50 ग्राम, फिर कितना ग्राम डाले, 50 ग्राम, और घोलते गए, ये पूरा पूरा घुल गया। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए, अगला 50 ग्राम डाले, वो क्या हुआ, इसमें घोलने के बाद जितना अमाउंट में घोले उतना क्या देखे, छोटा छोटा पार्टिकल के फॉर्म में नीचे में क्या आ गया, उतना ही अमाउंट ऑफ चीनी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, यहां पर देख लीजिए कितना, 50, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जब 250 ग्राम हम चीनी घोले हैं तो क्या हुआ, यहां पे इसमें घुल गया। लेकिन 250 ग्राम चीनी के बाद उसमें घुलेगा चीनी नहीं। तो वह देखिए, चीनी क्या है, यहाँ पे चीनी सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसको सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में होता है क्या है, तो जैसे मान, छोड़िए इतना बड़ा क्वांटिटी क्यों, एक छोटा क्वांटिटी समझते हैं। हम एक गिलास लिए, गिलास में मान लीजिए 200 ग्राम वाटर आता है, उस 200 ग्राम वाटर में हम लोग मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ चीनी घोल सकते हैं, 50 ग्राम। तो जो सॉल्वेंट होता है उसके फिक्स अमाउंट में, वो सॉल्वेंट आप ले लीजिए 200 ग्राम ले लीजिए, 400 ग्राम ले लीजिए, 500 ग्राम ले लीजिए, तो सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट घोलेगा, जैसे कोई बोलेगा हम 100 ग्राम वाटर लेंगे, कितना ग्राम वाटर लेंगे, 100 ग्राम वाटर लेंगे। अब इस 100 ग्राम वाटर में अगर मान लीजिए 20 ग्राम चीनी कंप्लीटली पूरा पूरा घुलता है, जैसे आप कभी कभी शरबत बनाते हो तो उसका नीचे देखिएगा, नीचे जब देखिएगा तो छोटा छोटा पार्टिकल बचा हुआ रहता है, जब हम लोग शरबत पी लेते हैं उसके बाद भी गिलास में छोटा छोटा पार्टिकल बचा होता है, वो एक्सेस सॉल्यूट होता है जो उसमें घुल नहीं पाया। तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना, यहां जब 1 kg लिए थे तो मान लीजिए 250 ग्राम घुला, मान लीजिए यहाँ पे 200 ग्राम पानी लिए थे, कितना ग्राम घुला, 50 ग्राम घुला, और यहाँ 100 ग्राम लिए थे, कितना घुला, 20 ग्राम घुला। तो सॉल्यूट का वह मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में घुल जाए, है ना, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्वेंट। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या कहलाता है आपका, सॉल्युबिलिटी। वह उस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। जैसे इस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कोई हमसे पूछेगा तो हम सब बोलेंगे 250 ग्राम है इसका सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्यूशन का कोई हमसे सॉल्युबिलिटी पूछेगा तो हम कितना ग्राम बोलेंगे, 50 ग्राम बोलेंगे। और अगर इस सॉल्यूशन का पूछेगा तो हम कितना ग्राम बोलेंगे, 20 ग्राम बोलेंगे। तो जो किसी गिवन किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट घुल जाए वही उस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन को 3 पार्ट में बांटा गया। एक का नाम क्या था, एक का नाम था आपका, पहला है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड रखिए, पहला है अनसैचुरेटेड, दूसरा है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। मान लीजिए आपकी आपका भैया का शादी हो गया है और आप चले गए भैया के क्या, ससुराल चले गए, ठीक है, भैया के ससुराल चले गए, तो वहां मामला क्या हुआ, आप घर में एकदम खुल के खाते पीते हैं, मस्ती करते, जितना मन हो उतना खाते हैं, भैया के ससुराल जब गए तो भैया की साली थी, ठीक है, अब साली थी तो वही आपको बोला कि चलो इनको खिला दो, तो आप पहली बार गए हैं। अब मान लीजिए हमारे जैसे आदमी अगर जाए 10-12 रोटी पहली बार में खा ले तो हम सब उस मामले में डैश डैश शर्म है, छोड़िए उसका मामला, आप अपना बात कीजिए। तो वहां पे आप गए, वहां पे तो वहां गए, अब आपको खिला रही है, आप सोच रहे हैं मन में आपका कुछ कुछ फूल खिलने लगा है, तो आपको भूख तो लगा हुआ था लेकिन आप खाना शुरू नहीं किए, आपको दी 1 रोटी, दी 2 रोटी, दी 3 रोटी, दी, आपको खाने का मन था कितना, 7, आपका पेट भरता है, मान लीजिए 7 रोटी में, आपका पेट कितना रोटी में भरता है, 7 रोटी में भरता है, आपका जो पेट है वह कितना रोटी में भरता है, 7 रोटी में। तो ये इसका सॉल्युबिलिटी है, पेट का की सॉल्युबिलिटी कितना है, 7 रोटी, समझ में आया। लेकिन जब अंश जब कहा गया आप ससुराल में गए तो वहां बगल में आपको भैया की साली खिला रही है, भाभी भी बगल में बैठा ले, वो कह रही और दो ना और दो, नहीं नहीं हम तो बस इतना ही खाते हैं, भले भैया भूखे रह जाएंगे लेकिन खाएंगे कितना। तो यहाँ आप जो गए, आप ससुराल जब गए तो कितना रोटी खाए,
केवल आप तीन रोटी या चार रोटी खा के आप उठ गए, भाभी जिद कर दिए एक रोटी और ले लिए, कितना रोटी खा के उठ गए, चार रोटी खा के उठ गए, और यहां का मामला हो गया। अब क्या हुआ, सैचुरेटेड का बात कर लेते हैं। तो सैचुरेटेड क्या होता है, तो सैचुरेटेड क्या है कि आप घर में बैठे थे और खाना खा रहे थे, आपके माता को पता है कि मेरा बेटा कितना खाता है, तो वह क्या कि आप सात रोटी खाते थे, धीरे धीरे आपको कितना रोटी दे दी, सात रोटी है ना खिला दिया आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरा केस है, तीसरा केस क्या हुआ, आपका एक कंजूस दोस्त पार्टी दे दिया एकदम, मतलब मक्खी चुन, सातवां से आप उसको जानते हैं लेकिन बारहवां तक वो पार्टी नहीं दिया, बाई चांस बारहवें में आके उसको फर्स्ट डिवीजन आ गया, आपने उसको पकड़ लिए, उसको फर्स्ट डिवीजन आने लायक था नहीं, बिहार बोर्ड का कृपा था, उसको मान लीजिए आ गया या एससी वैसी बोर्ड में आ गया, उसको फर्स्ट डिवीजन आ गया, तो आप क्या किए, उससे बोले कि अब तो भैया थोड़ा पार्टी देना पड़ेगा, उसको आप लोग धर लिए, पार्टी लेने गए, लेने गए, आप मान लीजिए नॉर्मल दिन में जाते हैं तो समोसा दुकान पे कितना समोसा खाते, दो गो मैक्सिमम चार गो, ओकरा है सब दोस्त मिलके आए, एकरा दिखाना है जिकरा जितना भूख था उससे ज्यादा, मतलब अगर रोटी और पनीर चिली खिला रहा था वो, या चिकन चिली जो खाता खिला रहा था, तो आप क्या किए, आप यहाँ पे 12 रोटी खाए, कितना रोटी खाए, 12 रोटी खाए। अब मामला क्या हो गया, आपके पेट का जो एक्चुअल भूख है वो कितना रोटी है, सात रोटी, मतलब घुलने वाला कितना रोटी है, सात, तो सॉल्युबिलिटी कितना हो गया, सात। अब देख लीजिए यहाँ सॉल्युबिलिटी कितना है, सॉल्युबिलिटी कितना है, सात है, सॉल्युबिलिटी कितना है, सात। लेकिन जब आप ससुराल गए भैया के, कितना रोटी खाए, चार, भूखा गए ना, तो अगर ये जो सॉल्युट है, ये जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट अगर सॉल्युबिलिटी से कम होगा, सॉल्युबिलिटी सात रोटी लेकिन सॉल्यूट कितना, चार, तो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब अगर जो सॉल्यूट हम लोग घोल रहे हैं वो जितना घुलना चाहिए, जितना सॉल्युबिलिटी है उससे कम होगा, तो कौन सॉल्यूशन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और आसान समझिए, जैसे एक केजी में का सॉल्युबिलिटी कितना था, 250 ग्राम था, हम लोग अगर 250 ग्राम चीनी से कम घोलेंगे तो कौन सॉल्यूशन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी प्रकार से सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आपको भूख कितना रोटी का था, सात, आप खाए कितना, सात, तो सॉल्युबिलिटी के बराबर हो गया। मतलब यहां कितना घुल सकता है एक केजी में, 250 ग्राम, और हम कितना घोलेंगे, कितना ग्राम, 250 ग्राम, तो सॉल्युबिलिटी के बराबर सॉल्यूट घोल देंगे तो कौन सॉल्यूशन कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी प्रकार से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें घुलता कितना, 250 ग्राम, हम इसको आग पे चढ़ा दिए, जैसे आप देखते होंगे जो रसगुल्ला का रस बनता है उसमें पहले चीनी डालता है बाद में पानी डाला जाता है, ठीक से देखेगा कभी देखेंगे, तो मान लीजिए ये पानी में कितना घुल रहा है, देख लीजिए 250 ग्राम घुल रहा है, लेकिन हम लोग क्या किए, पानी गर्म कर लिए, और गर्म करने के बाद उसमें हम लोग कितना घोले, 500 ग्राम घोलेंगे, तो घुलता कितना इसमें, 250 ग्राम, हम लोग कितना घोले, 500 ग्राम, तो देख लीजिए जितना सॉल्युबिलिटी है उससे हम लोग ज्यादा अमाउंट डिजॉल्व कर रहे हैं, तो अगर सॉल्युबिलिटी से सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा तो कौन सॉल्यूशन कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे आप यहाँ किए थे पेट में भूख कितना रोटी का, सात, लेकिन कंजूस दोस्त जब पार्टी दिया था कितना रोटी खाए थे, 12 रोटी, तो जितना भूख रहा था उससे ज्यादा खाए थे ना, ये कौन सॉल्यूशन कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे तीन तरह का सॉल्यूशन होता है, एक कौन सा, अनसैचुरेटेड, दूसरा कौन सा, सैचुरेटेड, और तीसरा कौन सा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता, 12 रोटी, तो जितना सॉल्युबिलिटी था उससे ज्यादा खाए ना, तो क्या हो गया, कौन सॉल्यूशन कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड। जैसे हम लोग देखे थे कि एक केजी वाटर में कितना घुल रहा था चीनी, 250 ग्राम, लेकिन हम इस चीनी को, पानी को क्या करेंगे, आग पे चढ़ा देंगे, और आग पे चढ़ाने के बाद कितना घोलेंगे बताओ, 500 ग्राम। अगर 500 ग्राम चीनी घोल लेंगे तो क्या हुआ, जितना इसमें घुलना चाहिए उससे ज्यादा घोल दिए ना, तो कौन सॉल्यूशन कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो तीन टाइप होता है, कौन सा, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो तीनों को एक समराइज करेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जान गए हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व होगा, तो इसका पहला देखते हैं अपना सब क्या मामला है। पहला मामला क्या है कि एक सॉल्युबिलिटी हमको दिया हुआ है और यहाँ पे हमको क्या दिया है, सॉल्यूट दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का अमाउंट जो है, सॉल्यूट का क्या बोले हम, अमाउंट, और सॉल्युबिलिटी का अमाउंट, अगर सॉल्यूट का अमाउंट जो है वह सॉल्युबिलिटी से क्या होगा, कम होगा, तो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। दूसरा,
जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है और कौन है, सॉल्यूट है, अगर ये दोनों बराबर होगा, क्या बराबर होगा, अमाउंट, जितना सॉल्युबिलिटी घुलता है उतना ही जब सॉल्यूट घुलेगा तो क्या कहलाएगा, आपका कौन सॉल्यूशन कहलाएगा, सैचुरेटेड। इसी प्रकार से तीसरा कौन सा है, सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, अगर आप लिखेगा कि सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी का अमाउंट है, अगर अगर जो सॉल्युबिलिटी का अमाउंट है वह सॉल्यूट से क्या होगा, अगर सॉल्युबिलिटी का अमाउंट जो है वह सॉल्यूट से क्या होगा, कम होगा, सॉल्यूट से क्या होगा, सॉल्यूट के अमाउंट से क्या होगा, कम, तो क्या कहलाएगा आपका, कौन सॉल्यूशन कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।